YouTube चैनल पर आप दोस्तों को वेलकम करते हैं। ट्रेनिंग नीड असेसमेंट एक ऐसा टेस्ट है जो हर उस्ताद से लिया जा रहा है। पंजाब के असाज़ा हो जाएं तैयार, टेस्ट कब होगा, कौन लेगा, कौन देगा। एक और सवाल भी पैदा होता है, क्या टेस्ट में फेल होने वालों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा? अगर इस तरह का है तो 25 साल सर्विस के साथ 55 साल वाला कानून का क्या बनेगा? जानिएगा ये सब आज की इस वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, खुश खुर्रम होंगे, भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो ख़बर की तफसील में जाने से पहले आप दोस्तों को बताते चलें कि महकमे की जानिब से इतला है कि टेस्ट मरहलावार होगा। जी हाँ, आप दोस्तों के साथ ये जो इतला शेयर कर रहे हैं, इसमें कुछ इतला है और कुछ ज़राए हैं, वो दोनों बातें आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। महकमे को जो इतला दी गई है, इसमें कहा गया है कि अस्सलामु अलैकुम मोहतरम हेड टीचर्स, कुछ बातें जो आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। नंबर एक पे ट्रेनिंग नीड असेसमेंट जो TNA टेस्ट है, फिलहाल सिर्फ PSTs का होगा। नंबर दो, टेस्ट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के मुकर्रा सेंटर्स पर होगा और वहीं पे ही लिया जाएगा। टेस्ट 25 अक्टूबर बरोज जुमा से इतवार तक के दरमियान होगा। वक्त और जगह के बारे में महकमा इतला कर देगा। टेस्ट में हर असातजा का, हर उस्ताद का हाजिर होना लाजमी है। नंबर पाँच, अहम तरीन बात यह है कि हर उस्ताद के पास अपना मोबाइल होना चाहिए, जिसमें टेस्ट के लिए मखसूस ऐप TNA डाउनलोडेड होनी चाहिए और नेट पैकेज भी उस मोबाइल के अंदर मुकम्मल होना चाहिए, यानी एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोबाइल बंदे के पास हो और नेट पैकेज ना हो और बंदा वहां से वो हॉटस्पॉट मांगता फिरे, ऐसा नहीं है। ये हिदायत पहले ही कर दी गई है कि अपना मोबाइल ऐप TNA डाउनलोडेड और नेट पैकेज लाजमी होना चाहिए। टेस्ट जो होगा वो TNA में प्राइमरी क्लासेस से मुतालिक होगा, यानी वो उस्ताद जो प्राइमरी स्कूलों को पढ़ा रहे हैं तो उन्हीं इंफॉर्मेशन से मुतालिक टेस्ट लिया जाएगा। पेडागोजिकल स्किल्स में से भी टेस्ट हो सकता है। ऐप पर जो है महकमा कह रहा है कि जब तक ये टेस्ट नहीं शुरू होता, प्रैक्टिस टेस्ट के तौर पर वहाँ पर आप मॉक टेस्ट कर सकते हैं। यूज़र और पासवर्ड असाज़ा कराम का CNIC होगा। बार बार कुछ असाज़ा पूछते हैं कि पासवर्ड कौन सा लगाना है। ये किसी भी टीचर का जो CNIC नंबर है, कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड नंबर, और पासवर्ड भी वही होगा। TNA टेस्ट पंजाब के तमाम असाज़ा देंगे, प्राइमरी स्कूल टीचर से लेकर प्रिंसिपल तक सबका होगा। इसमें PST भी शामिल हैं, EST भी शामिल हैं, SSTs भी शामिल हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी शामिल हैं और हेड टीचर्स भी शामिल हैं, प्रिंसिपल्स भी शामिल हैं। हेड टीचर और प्रिंसिपल में फ़र्क ये है कि कुछ स्कूलों में जो हेड की सीट है उसको प्रिंसिपल करार दे दिया गया है, किसी जगह पर वो हेड टीचर की सीट है। पंजाब में कुल 3,26,000 टीचर हैं, सब का टेस्ट होगा TNA और ये मरहलावार होगा। TNA टेस्ट की मॉक एक्सरसाइज ये बार बार हिदायत की जाती रही है। तमाम हेड साहबान ने भी अपने असातजा से कहा है कि मॉक एक्सरसाइज जो है वो ज़रूर कर लें, ताकि ऐन मौके पर जो है जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो बंदे के लिए मुश्किल हो जाता है उसको फेस करना, क्योंकि बाज़ औक़ात इंटरफेस से भी जो है वो शनासाई नहीं होती जब कोई एप्लीकेशन खुलती है। तो इसलिए बार बार ताकीद की जा रही है कि मॉक एक्सरसाइज जो है वो तमाम असातजा लाजमी कर लें। टेस्ट का आगाज जो है पहले बताया जा चुका है, 25 अक्टूबर से शुरू होगा, जुम्मा से इतवार तक 3 दिन के लिए होगा। सबसे पहले उन प्राइमरी स्कूलों के असाज़ा का टेस्ट होगा जो स्कूल AEOs के पास हैं। इसके बाद यानी पहले प्राइमरी स्कूलों टीचर होंगे, फिर एलिमेंट्री के अंदर मिडिल स्कूलों के अंदर भी जो प्राइमरी टीचर होंगे उनका टेस्ट होगा। इसके बाद हाई स्कूलों की बारी आएगी PSTs की। फिर उसके बाद जो है ये टेस्ट EST और SSTs का होगा। फिर उसके बाद जो है वो प्रिंसिपल और हेड साहबान भी इसमें शामिल हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस टेस्ट के पास होने पर और फेल होने पर असाज़ा के साथ क्या बिहेवियर किया जाएगा? ये अभी जो ज़राए बता रहे हैं उनकी बात हो रही है, महकमे ने इस हवाले से कोई मुस्तनद बात नहीं की। कुछ ज़राए ये कह रहे हैं कि जो पास होंगे, जो टॉपर होंगे, उनको जो है वहाँ पर भेजा जाएगा जापान के लिए ट्रेनिंग के लिए, जबकि अभी ज़राए हैं, अभी ज़राए ये भी कह रहे हैं कि पास होना या फेल होना कोई इशू नहीं है और
फेल होने का मसला नहीं है या पास होने का भी, ये जापान भेजा जाना है। इस टेस्ट का मकसद जो फेल होंगे जो है वो उनके लिए इस चीज को देखा जाना है कि असाज़ा किस चीज में ज्यादा कमजोर है, और उस टेस्ट के बाद उस चीज की ट्रेनिंग पे फोकस किया जाएगा। फर्ज कर ले अगर ये जरा जरिया समझा जाता है कि इन टेस्ट की बुनियाद पर असाज़ा को निकाल दिया जाएगा, तो ये जरा बात दिल को नहीं लगती, क्योंकि ऐसे तमाम असाज़ा जिनकी सर्विस जो है 25-30 साल हो चुकी है, महकमे के अंदर वो काम कर रहे हैं और पुराने हैं, और उन्हें अभी बास को तो मोबाइल चलाना भी नहीं आता, तो इस तरह जो है उनका, चूंकि वो जब नौकरी लगे थे तो इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, लिहाजा नौकरी से निकाला जाना एक इशू नहीं है। अगर ऐसा है तो नौकरी से निकाला जाना, तो वो जो कानून है 25 साल सर्विस और 55 साल की उम्र वाला कानून, अगर उसे ही खत्म कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे असातिज़ा जो है अप्लीकेशन देंगे और रिटायर होकर चले जाएंगे, वो तमाम असाज़ा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हम आंग नहीं हो पा रहे हैं। बहरहाल ज़रा ये बता रहे हैं कि टीचरों को निकालना मकसद नहीं है, बल्कि टीचरों की एफिशिएंसी, टीचर्स की एफिशिएंसी को देखा जाना है कि जो जिस शोबे में कमज़ोर होगा उसको उसी चीज़ की ट्रेनिंग करवाई जाएगी, ताकि असाज़ा ज़्यादा एक्टिव और अच्छे अंदाज में काम कर सकें। ये थी तमाम तर चीज़ें अपडेट्स जो ज़रा की हैं और जो महकमे ने इंटेस्ट के हवाले से जो है आप दोस्तों के साथ हमने शेयर की। इस टेस्ट की सबसे बड़ी क्वालिटी मैं बारहा बता चुका हूं पहले भी कि अब ये टेस्ट जो है मरहलावार होगा। पहले ये था कि तमाम असाज़ा का 3 दिन के अंदर टेस्ट ले लिया जाएगा और फिर काम खत्म, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सेंटर्स के हवाले से भी बात हो रही है कि सेंटर जो है जिस स्कूल में असाज़ा पढ़ाते होंगे उसी स्कूल का सेंटर नहीं बनाया जाएगा, बल्कि शहर के अंदर ही उस स्कूल के करीब तरीन जो स्कूल होगा वो वहाँ पे कोई सेंटर होगा। इनके हेड्स और आईटी जो है टीचर्स उनको भी एक्टिव होने का कह दिया गया है, और लैब्स को भी एक्टिव और वहाँ पर इंटरनेट को भी एक्टिव रखने का कहा जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ इनके ऊपर जो सुपरवाइज़र हैं वो AEOs फिल वक्त लगाए जाएंगे। AEOs के हवाले से भी खबर ये आ रही है कि जिन सेंटर्स के AEOs का जो है वो वहाँ पे टीचर्स होंगे, तो दूसरा AEO वहाँ पर जो है वो निगरानी करेगा, इन विजिलेटर होंगे और इन चीज़ों को देखेंगे और असाज़ा की रहनुमाई करेंगे जिन लोगों को IT के हवाले से और टेस्ट की जो अपडेशन है और उसके सोल्यूशन के मामले में जो मसाइल हैं उनके साथ वो नबारत आजमा होने का मामला जो है वो देखेंगे, साथ में असाज़ा के साथ कोऑपरेट करेंगे। फुली कोऑपरेटिव टेस्ट होगा, लेकिन फिर भी एक बात कहते चलें कि अभी तक सारे ज़राए हैं कि इन टेस्ट में जो फेल हो जाएंगे उनको निकाल दिया जाएगा, मुस्तनद खबर अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से और महकमे की तरफ से नहीं आई। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियोज़ के लगातार नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँचते रहें। मजीद ये कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमारी जो है हौसला अफजाई होती है, और हम जो है हमारा दिल करता है कि आप दोस्तों के लिए अच्छा कंटेंट पेश करें और वो चीज़ें जो आपके बहुत सारे जहन में उभरने वाले सवालों के जवाब हों तो उस तरह का मटेरियल आपके पास लाया जाए। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।